अगर आप चाहते हो कि मेरी क्लास 12 क्लास 11 की तरह बर्बाद ना जाए तो आप इन चैप्टर को जरूर कर लेना। हे एवरीवन, दिस इज राहुल। तो आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जो चाहते हैं कि जिस तरह हमारी क्लास 11th वेस्ट गई है उसी तरह हमारी 12th वेस्ट ना जाए। तो आप इस वीडियो को इसलिए देखें, अगर आप चाहते हैं कि हमारी 12th अच्छे से जाए, स्टार्टिंग में ही हम अपना फोकस स्टडी पर कर पाएं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आपको क्लास 12th में कॉम्पिटिशन एग्जाम देना है तो ये वीडियो उन्हीं के लिए बेनिफिट रहेगी, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से आपके क्लास 11th के ऐसे चैप्टर हैं जो कि आपके क्लास 12th में बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं, अगर आप इन चैप्टर को अच्छी तरह कर लेते हैं तो आप चाहे क्लास 12th में नीट का एग्जाम दें या फिर जेई का एग्जाम दें, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपने ये चैप्टर कर लिए तो आप समझना कि आपकी क्लास 11th वेस्ट नहीं गई, आपने क्लास 11th का अच्छे से यूज किया है, अच्छे से पढ़ा है। तो यही इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना अगर आप चाहते हैं कि हमारा लॉस ना हो। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिजिक्स के चैप्टर की। साइड में आप देख सकते हैं कि आपके क्लास 11th के जो फिजिक्स के चैप्टर हैं, हाई वेटेज वाले एक साइड रखे हैं मैंने और जो लो वेटेज है उनको एक साइड रखा है। ये वेटेज कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। हाई वेटेज में जो आपके चैप्टर हैं काइनामेटिक्स, सर्कुलर मोशन, लॉ ऑफ मोशन एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और साथ ही साथ आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो है सेंटर ऑफ मास, ये आपके हाई वेटेज वाले चैप्टर हैं। और जो आपके लो वेटेज वाले चैप्टर आते हैं वो है आपका रोटेशन, थर्मोडायनामिक्स, केटीजी मतलब है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एंड लास्ट जो है आपका वर्क एनर्जी पावर, ये आपके थोड़े लो वेटेज में आते हैं। लेकिन आपको ये लो वेटेज में आते हैं ये आपको करने जरूर हैं, करने कैसे हैं वो भी आप जान लीजिए कि जो लो वेटेज वाले चैप्टर हैं इनके अगर आप फॉर्मूले याद रख लेते हैं, इनके फॉर्मूले को अप्लाई करना आ जाता है तो मान लीजिए आपके ये चैप्टर आसानी से कवर हो गया। इसमें आपको कोई बड़ी बड़ी थ्योरी याद नहीं करनी है, इसमें आपको कंसेप्ट अप्लाई करना आना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन में इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, सिंपल आपको इसमें यही करना है। तो इसको आप वन शॉट सीरीज में कंप्लीट कर सकते हैं या फिर आपके जो शॉर्ट नोट्स होंगे उनमें से आप इसको जरूर करें, इनमें आपको बस फॉर्मूले याद करने की जरूरत है, पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको नहीं करना है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में आपके कौन से क्लास 11th में इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो भी आप साइड में देख सकते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर आते हैं वो आता है आपका सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा चैप्टर है चाहे अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो या फिर जेई की तैयारी कर रहे हो, ये चैप्टर दोनों ही एग्जाम में हाई वेटेज रखता है। तो इस चैप्टर को आपका ईच एंड एवरी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपको इसमें वीवीटी कैसे लगाते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में लुईस डॉट स्ट्रक्चर और इसकी हाइब्रिडाइजेशन शेप वगैरह आपको सबकी नॉलेज होनी चाहिए। ये इस चैप्टर का यूज क्लास 12th में भी होने वाला है, जो आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे क्लास 12th में उसमें भी इसका यूज बहुत ज्यादा है, इसलिए आप इस चैप्टर को अच्छे से करें। और सेकंड जो इम्पोर्टेंट चैप्टर आता है वो आपका आता है मोल कंसेप्ट। अगर आपने मोल कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लिया तो आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी, ना ही आपको क्लास 12th की फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आप मोल कंसेप्ट और केमिकल बॉन्डिंग को अच्छे से करें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सेकंड थिंग आती है वो आती है आपकी ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हाई वेटेज कवर रखती है। बहुत से बच्चों को क्लास 12th की ऑर्गेनिक से बहुत डर लगता है, मैं आपको बता दूं अगर आप क्लास 11th का बेस क्लियर रखेंगे तो आपको क्लास 12th की केमिस्ट्री बहुत ही आसान लगेगी। आपको जो क्लास 11th में जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आपकी, वो आपको बहुत ही अच्छे से करनी है। और उसके साथ साथ जो आपका हाइड्रोकार्बन चैप्टर है उसकी सारी रिएक्शन है ना, वो सारी आपको टिप पर होनी चाहिए, क्योंकि ये जो सेम रिएक्शन है ये रिपीट होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और जो ये रिएक्शन है ये आपकी 12th में भी आएंगी। जो क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो टोटली रिएक्शन पे ही बेस्ड है। ये मैं किसी उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो कॉम्पिटिशन देना चाहते हैं, अगर आप सिंपल क्लास 11th में क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं कि आप एक महीने के अंदर अपना क्लास 11th का सिलेबस कैसे कम्प्लीट करेंगे। तो ये तो कोई इम्पोर्टेंट चैप्टर। अब थोड़े लो वेटेज की बात कर लेते हैं जो कि केमिस्ट्री में आपको करने हैं। जो थ्योरिटिकल चैप्टर है आपकी केमिस्ट्री में वो है एस एंड पी ब्लॉक की। एस एंड पी ब्लॉक में आपको क्या करना है, जितने भी आपके एलिमेंट हैं उनकी बेसिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो आपके एस एंड पी ब्लॉक है ये कम्प्लीटली आगे रिपीट होने वाले हैं आपके क्लास 12th में। अगर आप चाहें तो
इनको थोड़ा स्किप कर सकते हैं, यानी कि इनकी वन शॉट सीरीज देख लें, इनकी प्रॉपर्टी आपको याद रखने की जरूरत है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये सेम चैप्टर आपके क्लास 12th में आने वाले हैं। ये रही केमिस्ट्री की बात, अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट मैथ। क्लास 11th की मैथमेटिक्स में जो मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है वो आपकी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है, तो आप इस यूनिट को अच्छे से कवर करें। इस यूनिट में आपके तीन चैप्टर हैं, तीनों के तीनों चैप्टर आपको टिप पर होने चाहिए। इसमें जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी कंसेप्ट हैं, वो आपको अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि इस यूनिट से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट जो आपको करना है वो आया आपकी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको सिंपल क्या करना है, बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए और उनकी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, बस आपको इसमें यही करना है। आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है कि आप सारा एक एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे, सिंपल आपको इसके फॉर्मूले पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अभी याद कर लेंगे तो आपको क्लास 12th में कैलकुलस जो आपकी यूनिट है उसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज होने जा रहा है। तो आप क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री बेसिक फॉर्मूले जरूर करें। नेक्स्ट जो आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर करना है वो है आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये चैप्टर आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्लास 12th में जो प्रोबेबिलिटी आप करेंगे उसमें इस चैप्टर का बहुत ही यूज होने वाला है। इस चैप्टर को इसलिए आप अच्छे से कर लें, इसमें आपको कोई थ्योरी लगने की जरूरत नहीं है, ना ही इसमें फॉर्मूले हैं, इसमें सिर्फ दिमाग लगाना है। अगर आप ये चैप्टर अच्छे से कर लेते हैं तो समझ लो आपका क्लास 12th की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी अच्छे से हो गई, तो ये चैप्टर आप जरूर करें। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। इसमें आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के जो फॉर्मूले हैं और जो इनकी इनफाइनाइट सीरीज है वो बेसिक टर्म आपको कर लेनी है। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं इसलिए, क्योंकि कहां से क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, तो इसलिए आप इनको चैप्टर को जरूर करें। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपकी क्लास 11th अच्छी रही, आपने क्लास 11th का अच्छे से यूज करा। अगर आप चाहते हो कि मेरी क्लास 12th क्लास 11th की तरह बर्बाद ना जाए तो आप इन चैप्टर को जरूर कर लेना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ऐसे और मोटिवेटिव और हेल्पफुल कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।